नमस्कार, मैं राघव जैन लेकर हाजिर हूं एक्सप्रेस प्लस, जिसमें हम नजर मारेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आइए देखते हैं। कैबिनेट का फैसला, पंजाब पुलिस तकनीकी जांच पड़ताल में लेगी सिविलियन विशेषज्ञों की सेवाएं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव, सभी मंत्रियों को टेस्ट कराने के दिए निर्देश। कोरोना के सबसे ज्यादा वाले लुधियाने से जलंधर 144 केस दूर, अमृतसर तीसरे नंबर पे। पंजाब में हर रोज आ रहे हैं 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज। बिहार में आज से लॉकडाउन, 31 जुलाई तक यहां रहेगा लॉकडाउन। अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर हमले से कांग्रेस नेतृत्व नाराज, खुला की गुंजाइश बरकरार रखना चाहती है पार्टी। झारखंड में 25 करोड़ तक की योजनाएं स्थानीय ठेकेदारों के लिए होगी आरक्षित। SBI के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करते ही कटते जा रहे हैं पैसे। कोरोना के खिलाफ जंग में मिली बड़ी कामयाबी, अमेरिका टीके का दूसरा चरण रहा सफल। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, भारत है अमेरिका का बड़ा साझेदार। भारत की आपत्ति के बावजूद चीन की मदद से शुरू हुआ पाक का सबसे बड़ा डैम। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 349 अंकों की उछाल, 10,706 के स्तर पर खुला निफ्टी। सुशांत सिंह मामले की CBI जांच की मांग पर अमित शाह का आया जवाब। दो दिन से बीमार चल रही हिमांशी खुराना, आनंद फानन में कराया कोरोना टेस्ट। अमिताभ बच्चन ने शेयर की इंस्टाग्राम पर पोस्ट, बताया कि 6 तरह से लोगों से बनाए दूरी। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आज शाम प्लस।